अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्किन वाइटनिंग और फेशियल हेयर को परमानेंटली और नेचुरल तरीके से रिमूव करने के बारे में है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ही वाइटनिंग क्लींजर के बारे में बताऊंगी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से ना सिर्फ स्किन की आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कलर भी वाइट होगा और फेशियल हेयर भी आपके ग्रेजुअली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इस क्लींजर को घर पर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। नाम है इसका किशमिश वाइटनिंग क्लींजर, जो कि हर तरह के स्किन टाइप्स के लिए है। 100 मिलीलीटर की पैकिंग में आता है और 100% नेचुरल और होममेड प्रोडक्ट है। और इस क्लींजर को आप फेशियल हेयर को ख़त्म करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये अभी बताती हूँ, लेकिन पहले इसको घर पर बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले आपने राइस को ग्राइंड कर लेना है और राइस फ्लोर बना लेना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको यहाँ एक टिप दूँ कि इन चावलों के आटे को अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा में मिक्स करके रोज़ाना लिप्स के ऊपर या फेस के उन हिस्सों पर लगा लेते हैं जहाँ से आपने बाल ख़त्म करने हैं, तो आप हैरान होंगे कि कितने जल्दी से ये आपके फेशियल हेयर को ख़त्म कर सकता है। इसकी तकरीबन हमने 1 स्पून एक बॉल में निकाल लेनी है और उसके बाद हम ले लेंगे लेमन पील पाउडर, जो कि क्लींजर में तो विटामिन सी का काम करेगा। आप सिर्फ लेमन पील पाउडर को स्किन वाइटनिंग के लिए ही जानते होंगे, लेकिन ये ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट करता है, साथ ही इसमें मौजूद एसिडिक नेचर इसकी फेशियल हेयर को ख़त्म करने में बहुत अहम काम करती है। इसका भी तकरीबन 1 स्पून ही हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे फ्लैग सीड यानी कि अलसी के बीज। इसका भी पाउडर बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे और फ्लैक्स सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस और ओमेगा 369 स्किन पर से डार्क स्पॉट्स ख़त्म करते हुए स्किन को मॉइस्चराइज और आपके ओपन पोर्स को भी ख़त्म करते हैं। इसकी भी आपने सेम क्वांटिटी ही शामिल कर लेनी है और जो ये टोटल क्वांटिटी बनेगी इसे कम से कम आप 1 वीक तक आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। और जैसे कि क्लींजर के इन्ग्रीडियंट्स में ही बता दिया गया है कि इसमें नेचुरल वाइटनिंग हर्ब्स शामिल की गई हैं, सो हम इस जगह पर ले लेंगे सैंडलवुड पाउडर 1/2 टीस्पून और लिकोरिश पाउडर यानी कि मुलेठी का पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ स्किन वाइटनिंग देते हैं आपको, साथ ही साथ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से स्किन पर ज़्यादा आ जाने वाले फेशियल हेयर को भी 100% हल करते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुलेठी तो हर्बल इंग्रेडिएंट है जो कि डॉक्टर्स आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको खाने के लिए देते हैं। वैसे तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ही आपको पंसार की शॉप से आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 100% प्योर ऑर्गेनिक जो हैं ये इंग्रेडिएंट मंगवाना चाहें तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए ऐड भी कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे ओट्स मील, जो कि इस तरह आपको बाजार से मिलेंगे, लेकिन आपने इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। इसमें विटामिन बी मौजूद होता है जो कि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करता है और जिससे स्किन वाइटनिंग में भी आपकी हेल्प होती है और बाकी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसकी 2 स्पून आपने इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड करके बॉल में अच्छी तरह इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, तो ये आपके पास फाइनल ये क्लींजर आपके पास बन जाएगा जो आपको स्किन वाइटनिंग भी देगा। और अब इस मिक्सचर को अगर आपने सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करना है तो आपने खाली बॉल में 1/2 टीस्पून इस मिक्सचर की निकाल कर उसे रोज़ वाटर में मिक्स करके अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है। लेकिन अगर आपने इसे फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसी खाली बॉल में निकाल कर आपने इसे मिक्स करना है कैमोमाइल वाटर के साथ यानी कि जो ये टोनर है इसके साथ, और इसे थोड़ा मिक्स करके आपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। कम से कम आपने 7 से 10 मिनट्स के लिए दोनों सूरतों में फेस के ऊपर अप्लाई करके रखना है। किसी तरह की रबिंग और स्क्रबिंग आपने ऊपर से नहीं करनी और उसके बाद आपने 10 मिनट्स के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। लेकिन अगर ब्लैक हेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं तो नोज़ की साइड्स पर हल्का सा रब करते हुए से अपने फेस को वॉश कर लें, और फेस वॉश करने के बाद कैमोमाइल टोनर जो है फेस के ऊपर ज़रूर स्प्रे कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे रोज़ वाटर में बनाकर फेस के ऊपर अप्लाई कर लें। जब आपके पोर्स अच्छी तरह क्लीन हो जाएं तो आप रोज़ाना कैमोमाइल टोनर अपने फेस पर ज़रूर स्प्रे कर लिया करें। इस तरह से ये टोनर आपकी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होकर असर दिखाएगा। अब कैमोमाइल जो है वो सदियों से चेहरे के ऊपर से फेशियल हेयर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। मेरी एक कज़न ने असल में ये क्लींजर और टोनर इस तरह यूज़ किए हैं और उसको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और अगर फेशियल हेयर बहुत ही ज़्यादा हैं तो अपने हॉर्मोन्स का ज़रूर टेस्ट करवाएं, मीठा कम खाएं, वज़न कम करें। और मेरे चैनल पर आपको फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए एक उपटन की रेमेडी, मेडिकेटेड क्रीम्स के रिव्यूज़ और इस तरह की कई बेस्ट होम रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, चाहें तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं।
और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस वाइटनिंग क्लींजर का ऑनलाइन लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही ऑर्डर करके अपने फेस के ऊपर यूज़ करके देख सकते हैं। बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आपको भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।